तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा अर्ली साइन ऑफ सिकनेस क्या होते हैं। मेरे पास बहुत लोग आते हैं डॉग को केस बिगाड़ के, तीन तीन दिन से खाना नहीं खा रहा, बहुत ज्यादा वॉमिटिंग, लूज मोशन, जब ब्लड आने लगता है तब आते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि अर्ली साइन ऑफ सिकनेस क्या है डॉग के अंदर, हमारे को कैसे ऐसे पता लगे भी शुरू में ही डॉग बीमार है तो हमारे को पता कैसे लगे उस चीज का। तो भाई सबसे पहले मैं सभी अपने क्लाइंट्स को यही गाइड करता हूँ कि जो स्टूल है डॉग का वो उसका मिरर है उसकी हेल्थ का, उसका जो स्किन कोट है वो उसकी मिरर है हेल्थ का। तो जब स्टूल आपका डॉग पास कर रहा है, जब आप घुमाने लेके जा रहे हो, उसके स्टूल को हमेशा आपने नोटिस करना है। ना तो स्टूल बहुत हार्ड होना चाहिए ना उसमें लूज मोशन होने चाहिए। अगर पोटी नॉर्मल कर रहा है डॉग तो इसका मतलब हेल्दी है। अब पोटी नॉर्मल का हम कैसे सजेस्ट करते हैं कि हमारे को कैसे पता लगे डॉग की पोटी नॉर्मल है, तो डॉग का स्टूल हार्ड होना चाहिए प्लस उसमें शाइनिंग होनी चाहिए। अगर स्टूल हार्ड हो रहा है, कॉन्स्टिपेटेड है, तो वो भी गलत माना जाता है। तो ये हमेशा याद रखना है कि स्टूल हार्ड प्लस उसमें शाइनिंग। दूसरी बात, अगर स्टूल आपके डॉग का ब्लैक कलर का आ रहा है तो, और साथ में वो स्टेनिंग कर रहा है उसको स्टूल को पास करते टाइम, तो वो एक ब्लीडिंग की निशानी हो सकती है आपके डॉग के स्टूल के अंदर। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है कि स्टूल का कलर भी येलो या थोड़ा सा डार्क येलो की तरफ जाना है। अगर ब्लैक कलर का स्टूल आ रहा है तो वो साइन ऑफ इलनेस हो सकता है। तो पहली बात तो आपने ये ध्यान रखनी है। दूसरा, अपने डॉग को डेली 5-7 मिनट 10 मिनट का टाइम जरूर देना चाहिए उसको चेक करने के लिए, उसको थोड़ा सा हाथ पूरे शरीर पर डालना चाहिए। तो आओ मैं आपको बताता हूँ कि हमारे को शुरू शुरू में कैसे पता लगता है। सबसे पहले डॉग की आईज को हमने चेक करना है। आईज में किसी भी टाइप का डिस्चार्ज नहीं होना चाहिए। जो डिस्चार्ज है आईज का वो शो करता है कि डॉग किसी भी टाइप की स्ट्रेस के अंदर है। और उसके नोज में से अगर क्लियर डिस्चार्ज आ रहा है तो वो कोई मतलब साइन ऑफ गुड हेल्थ है। अगर उसमें से कुछ प्रोटीन टाइप का गंदा निकल रहा है तो इसका मतलब वो डॉग बीमार हो सकता है। तीसरा, जो हमारे जो डॉग के ईयर्स हैं वो बिल्कुल क्लियर होने चाहिए और उसमें शाइनिंग होनी चाहिए। अगर ईयर्स के अंदर ड्राइनेस फील हो रही है आपको, इस टाइप का लग रहा है जैसे बिल्कुल सूखा पड़ा है कान, या उसमें से वैक्स आ रही है, गंदी स्मेल आ रही है, तो वो इलनेस का अर्ली साइन है, उसको आप प्रिवेंटिव भी आप करवा सकते हैं। दूसरा, जब डॉग को आप पूरे शरीर पे हाथ फेरते हो उसकी बैकबोन को पूरा टच करके देखना चाहिए कि किसी भी टाइप की अगर अर्ली साइन है उसके पेन्स के अंदर, कोई भी ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम है या किसी टाइप का उसको पेन में है डॉग, तो उसके आप बैकबोन पे जब टच करोगे तो आपको उस चीज का आइडिया हो जाएगा। और सबसे बड़ा, और उसके बाद आपने कैसे चेक करना है डॉग को, उसके पोज को चेक करना है। हमेशा डॉग के पोज को खोल के देखना है भी किसी भी टाइप की फंगस तो नहीं हो रखी उसके अंदर डॉग के अंदर। अगर फंगस है तो इनिशियल स्टेज पे आप उसका ट्रीटमेंट घर पे भी कर सकते हैं। मैंने एक वीडियो डाल रखी थी ओडोडर्मेटाइटिस पे, वो आई बटन में आपके आ रही है, उसके हिसाब से आप अपने डॉग का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। उसके लिए एक पॉ क्रीम होती है और एक पॉ क्लीनर होता है, उससे आप क्लीन करके वो लगा सकते हैं। और दूसरा, जब एक इसके डॉग इधर आओ, जो डॉग की स्टूल वाली जगह है, पोटी वाली जगह है, वो हमेशा बिल्कुल नॉर्मल कलर की होनी चाहिए। अगर उसमें रेडनेस हो रखी है तो वो एनुअल ग्लैंड फील होने की निशानी होती है और वर्म्स की निशानी होती है। तो अपना जब भी डॉग को पूरा 5 मिनट लगा के जरूर एग्जामिन करना चाहिए, ताकि अर्ली अगर आप बीमारी को पकड़ोगे तो उसका जल्दी इलाज हो पाएगा, आपको बहुत बहुत ज़्यादा चक्कर नहीं मारने पड़ेंगे। तो गाइस होप करता हूँ आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। थोड़ा सा वीडियो को समराइज कर लेता हूँ जल्दी जल्दी में। डॉग का स्टूल बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए, आई से कोई डिस्चार्ज नहीं होना चाहिए और किसी भी टाइप के टिक्स माइट्स वाले इंफेस्टेशन नहीं होना चाहिए उसकी स्किन के अंदर। ये चीज आप देखते रहोगे तो आपका डॉग बिल्कुल हमेशा स्वस्थ रहेगा। होप करता हूँ गाइस आपको सीखने को मिला होगा इस वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया करो मेरी वीडियो, ताकि और लोग इस चीज का फायदा उठा पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, लव यू ऑल।